हेलो एंड वेलकम आई एम राजदीप चंद्राकर एंड आई एम सीनियर फैकल्टी ऑफ जोग्राफी एट अभिमन ओ अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फॉर्मेशन होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का हमने बात की थी नॉमिनक्लेचर ऑफ साइक्लोन के बारे में भी और हमने बात की थी साइक्लोन असना के बारे में भी अब इसी से रिलेटेड हम एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड और साइक्लोजेनेसिस से रिलेटेड अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें that is explain the formation of tropical cyclones first part and then what is the reason behind the increasing instances of cyclone in arabian sea now this question has two subparts in first part we have to write about the formation of cyclones so suppose this question is of 250 words that is for 15 marks so hum sabse is likhenge, introduction related to formation of tropical cyclones एंड देन बॉडी में हम जाएंगे इसके जब बॉडी पार्ट हम एस्पेक्ट लिखते हैं तो उसमें हम पहले लिख सकते हैं प्री कंडीशन के बारे में कि वॉट आर द प्री कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तो हमने प्री कंडीशन देखे थे रिलेटेड टू सी सरफेस टेम्परेचर फिर उसके बाद जो कि हमें चाहिए मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस सेकंड प्री कंडीशन आता है हमारा प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स

अगर हम प्री कंडीशन देखते हैं तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए अपर एयर डिस्टर्बेंस दैट इज प्रेजेंस ऑफ जेट स्ट्रीम इसके बाद हम लिखेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर हमारे पास एक स्कोप भी आ जाता है कि हम एक डायग्राम बना सकते हैं एज फार एस दिस क्वेश्चन इज कंसर्न यहाँ पर हम एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम बना सकते हैं जहां पर हम लो प्रेशर एरिया उसके सराउंडिंग रीजन में आई उसके सराउंडिंग रीजन में जो आई वॉल रीजन है फॉर्मेशन ऑफ क्यूमलोनिम्बस क्लाउड एंड देन दी Upper air disturbance that is the jet stream that is steering this cloud towards the or uh, steering this cyclone towards the eastern coast of India or towards the western direction. तो so, ये सब के बारे में हम लिख सकते हैं जब हम first part को address कर रहे हैं that is formation of tropical cyclones. और इस इसमें हमें एक और aspect जो लिखना होगा कि tropical cyclones are formed above sea only as compared to

वॉट इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ इज इंक्रीज नंबर ऑफ साइक्लोन्स इन अरेबियन सी इसका सबसे बड़ा जो आस्पेक्ट आता है पहले क्या होता था कि बे ऑफ बंगाल रीजन जो है वो ज्यादा हीट हो जाता था बिकॉज ऑफ हिट इट्स लार्जर एक्सटेंड अगर दूसरा एस्पेक्ट हम देखें तो बे ऑफ बेंगाल इज कंपेरेटिवली शैलो एज कंपेयर टू अरेबियन सी दैट इज द डेप्थ ऑफ द अरेबियन सी इज मोर एंड इट इज कंपेरेटिवली नैरोज कंपेयर टू बेऑफ बेंगाल तो इसीलिए ये रेयर फिनोमिनल हुआ करता था जो साइक्लोन का फॉर्मेशन है वो रेयर फिनोमिनल हुआ करता था इन अरेबियन सी रीजन बट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इस रीजन में अरेबियन सी रीजन में ज्यादा फॉर्मेशन होने लग गए हैं अब साइक्लोन्स के और इवन अगस्त के महीने महिन में, महीने में जो कि एक रेयर फिनोमिनल है फिर से साइक्लोन की अगर हम बात करें इट इज अ वेरी रेयर साइक्लोन

बट नाउ दिस नंबर हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग एंड इंक्रीजिंग सी सरफेस टेम्परेचर इन अरेबियन सी रीजन अगर हम इसी पे एक केस स्टडी डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं उड़ीसा का केस स्टडी क्योंकि तो जब 1999 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था तो उस टाइम पे हैवी डिवास्टेशन हुआ था लेकिन उसके बाद उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसे स्टेप्स लिए कि जब 2013 में साइक्लोन फाइलिन आया और 2019 में और 17 में जब

इन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जो एंड देर इज नो डिजास्टर इट कैन बी स्टोरेज एंड देर इज डिजास्टर दिस कैन बी यूजन कैंप एज सेम टू सेम इन्होंने एक इवेक्युएशन पाथ भी क्रिएट किया जिसमें कि अगर सपोज साइक्लोन का वार्निंग होता है साइक्लोन वार्निंग इशू होता है तो पीपल को इवेकुएट करके एक इस इवेकुएशन पाथ के थ्रू उन कैंप्स में ले जाया जा सके इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि आईएमडी किस टाइप का साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इशू करता है तो आईएमडी जो है वो फोर स्टेज साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इशू करता है फर्स्ट स्टेज अगर हम देखें तो वो होता है प्री साइक्लोन वॉच ये इशू किया जाता है सेवेंटी टू आवर्स पहले और वंस इन अ डे ये इशू किया जाता है वेन डिप्रेशन इज बींग फॉर्म जब डिप्रेशन फॉर्म होना चालू हो जाता है सेकेंड स्टेज में आते आते हमें यह देखना होता है कि जो डिप्रेशन है वो विद इन दी रेंज बियॉन्ड द रेंज ऑफ 500 किलोमीटर होना चाहिए और दूसरा आपका ये इंटेंसिफिकेशन किस टाइप का हो रहा है इसे हम बोलते हैं येलो अलर्ट और इसको अराउंड सेवन फोर्टी एट आवर्स पहले फोर्टी एट आवर्स पहले थ्री टाइम्स अ डे इशू किया जाता है थर्ड अगर हम देखें थर्ड एस्पेक्ट अगर इसका देखें तो यहाँ पर आते आते ऑरेंज अलर्ट हो जाता है साइक्लोन का और ये हमें ट्वेंटी फोर आवर्स पहले इशू करना होता है क्योंकि अब जो साइक्लोन है उसका रेंज हो चुका है फोर हंड्रेड किलोमीटर्स से कम तो ये हमें साइक्लोन पीरियोडिकली साइक्लोन वार्निंग जो है पीरियोडिकली इशू करना पड़ता है सो दैट द कोस्टल पीपल कोस्टल एरिया में जो पीपल रिसाइड करे जो भी फिशरमैन है उन तक ये अलर्ट पहुँच दे कैन बी इवेकुएटेड टू द सेफर प्लेस फोर्थ स्टेज जो आपका आता है दैट इज पोस्ट लैंडफॉल वॉच ये ट्वेल्व आवर्स पहले इशू किया जाता है और ये रेड वार्निंग होता है इस सिनेरियो में अराउंड टू हंड्रेड किलोमीटर्स तक पहुंच चुका है आपका साइक्लोन उस रेंज में पहुंच चुका है और इसका जो अब लैंडफॉल होने वाला है वो बहुत ही जल्द होने वाला है तो इसे पोस्ट लैंडफॉल वॉच भी कहा जाता है तो आई एम डी के ये चार स्टेजेस होते हैं जो कलर के बेसिस पे होते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं इस आ, इस इस आंसर में कि हमारा प्रिपेयर्डनेस जो है टुवर्ड्स द एंड आप बता सकते हैं कि हमारा प्रिपेयर्डनेस रिलेटेड टू साइक्लोन वार्निंग सिस्टम कैसा है फर्दर क्वेश्चन रिलेटेड टू मेन्स अगर आपको सॉल्व करने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप लिंक को और फर्दर अपडेट हो सकते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स लाइक साइक्लोन्स एंड अदर इशूज एज वेल थैंक यू